एसएस राजामौली, ये किसी भी मूवी को बहुत ऊपर लेके जाने के लिए नाम काफी है। लिटरली ये नाम ले लो मूवी के अंदर, यहाँ पे गैस मूवी यहाँ पे जो है स्काई रॉकेट की तरह यहाँ पे जो है काफी लंबी उड़ान भर देगी। ठीक है, तो एसएस राजामौली अपनी यहाँ पे जो है नई मूवी लेकर आने वाले हैं महेश बाबू के साथ। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इनकी नई मूवी का नाम SSMB होने वाला है। अरे SSMB नाम नहीं है ब्रो, SS मतलब SS राजामौली एंड MB मतलब महेश बाबू। ठीक है, इनकी नई पिक्चर का नाम अभी तक यहाँ पे जो है रिवील नहीं हुआ है, बट सभी लोगों को पता है कि SSMB एंड दोस्तों महेश बाबू के साथ वो नई मूवी लेकर आने वाले हैं, जिसका एक कंप्लीटली थीम जो है वो जंगल एडवेंचर के अंदर यहाँ पे जो है होने वाला है। ठीक है, काफी सारे लीक्स यहाँ पे निकल कर आ रही है, सब कुछ बताऊंगा जो मेरे को पता है। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। महेश बाबू के फैन हो, SS राजामौली के फैन हो, तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि SSMB अपने को यहाँ पे जो है कब तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यार सुनने में अभी अपने को यहाँ पे ऐसा है कि उनका एक पूरा आई थिंक कोई अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ पे दोस्तों एक टाइटल अनाउंसमेंट किया जाएगा एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें अपने को यहाँ पे जो है रिवील की जाएगी। ठीक है, एंड ये सुनने में आया कि अप्रैल तक अपने को यहाँ पे जो है पूरा अनाउंसमेंट होगा, जो भी नाम होगा मूवी का वो अपने को यहाँ पे जो है सुनने मिल जाएगा। ठीक है, एंड एक मेन चीज ये भी है कि जो महेश बाबू है उनको ऐसे साजा मुली ने कह रखा है कि भाई साहब अब अपने जो बॉडी पे वर्क जो होता है वो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज देखो इस जो भी कैरेक्टर यहाँ पे जो है होने वाला है उसके लिए डेफिनेटली उनको यहाँ पे जो है काफी बल्किंग बॉडी जो होती है वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है महेश बाबू यहाँ पे जो है काफी अच्छी तरीके से अपने आप को बल्क कर रहे हैं। गाइस ये रियलिटी है, आप चाहो तो आर्टिकल्स के थ्रू भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसी के साथ दोस्तों ये जो मूवी है इंस्पायर है पूरी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे हमारे इंडियन माइथोलॉजी से। ठीक है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि राम जी का कैरेक्टर हो गया, फिर दोस्तों काफी सारे लोग कह रहे हैं हनुमान जी का कैरेक्टर हो गया, बहुत सारी मिक्सिंग चीजें जो होती है वो यहाँ पे सुनने में आ रही है। देखो इन सब चीजों यहाँ पे जो है कैरेक्टर इंस्पायर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, काफी बड़ी मास लेवल के ऊपर मूवी बनने वाली है। गाइस बजट तो अभी तक आपको मैंने बताया नहीं है, बजट है भाई इसका यहाँ पे 1000 करोड़, जो दो पार्ट के अंदर बनेगा, मतलब एक एक पार्ट भी लेके चलो 500-500 करोड़ का भी हुआ तो कितना मैसिव है। एंड गाइस आप लोगों को पता है SS राजामौली है, 500 करोड़ अगर एक मूवी में लगाएंगे तो 1000 करोड़ तो वहां से निकाल ही लेंगे, तो समझ सकते हो कि कितनी मैसिव लेवल के ऊपर यहाँ पे जो है ये मूवी जाने वाली है। ठीक है, इसके अंदर एक्शन होगा, एडवेंचर होगा, थ्रिल होगा, हंटिंग होगी, ट्रेजर हंट भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जंगल के ऊपर शूट है तो जंगल में क्या करेंगे, ट्रेजर हंट में भी शायद यहाँ पे जो है कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है चल रही है। बाकी बात करें तो गाइस इसका VFX भी यहाँ पे जो है बहुत टॉप नॉच लेवल के ऊपर यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज VFX के ऊपर मोस्टली यहाँ पे जो है मूवी काम करेगी, बिकॉज देखो हर चीज आप लोग यहाँ पे जो है लाइव शूट नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है VFX की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। जंगल में होने वाले हो तो जानवरों को तो रियल में यूज कर नहीं सकते। ठीक है, जानवरों को एटलीस्ट अपने को यहाँ पे जो है VFX करना ही पड़ेगा। ठीक है, होपफुली इस मूवी को यहाँ पे जो है कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है पार्ट 1 को बनने में, देन गाइस आई थिंक अपने को यहाँ पे जो 1 से 1.5 साल बाद यहाँ पे जो है ट्रेलर का रिलीज अपडेट जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट जस्ट इतना पता है कि अभी अप्रैल के अंदर यहाँ पे जो है शायद वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं SSMB की, उसको टाइटल अनाउंसमेंट होगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए एक्साइटेड होगी नहीं मुझे कमेंट करके बताओ। इस तरीके और कमाल के अपडेट्स के लिए प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो।